तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, मेरे पिछले दो वीडियो में काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि यार हमारे में तो एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं मिला, 12 की तो दूर की बात, और हाँ हमारे में सिक्योरिटी पेचेस के मंथली अपडेट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के लिए आज हम बात करेंगे कि हमें सिक्योरिटी पेच अपडेट क्यों नहीं मिलते हैं और क्यों हमें शो नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको खुली किताब की तरह बता दूं, जब भी आपके पास कोई भी स्टॉक एंड्रॉइड, अगर आप यूजर हो, आप एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के डिवाइस चलाते हो, तो आपको ऐसा आता होगा अपडेट की तरफ। और अगर आपके पास सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, वीवो कुछ भी है, तो आपको ऐसा आता होगा। तो दोस्तों, इसे आपको क्या करना है, ये जब भी आपके डिवाइस में आता है ये अपडेट, आपको तुरंत अपडेट कर लेना है, या फिर बहुत सारे यूजर है उनके डिवाइस में ऑटोमेटिक, आप अपने सेटिंग अपडेट्स में जाके देखिए, आपने करके रखा होगा ऑटोमेटिक अपडेट जो भी आता है आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। सबसे पहले आपने सेटिंग में देखिए, आपने तो ऑटोमेटिक करके तो नहीं रखा है, या फिर जो भी अपडेट आता है आपको वाईफाई से करना पड़ता है। काफी सारे लोगों का क्या होता है, डाटा से हो जाता है, मोबाइल डाटा से, लेकिन कुछ सारे लोगों का होता है वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी पेज के अपडेट जो है आपको एवरी मंथ, कोई भी आपका डिवाइस है, अगर नया आपने लिया परचेस किया, वैसे तो स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड के डिवाइस में 3 साल तक मिलते हैं, बाकी शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग में आपको 2 साल तक मिल जाते हैं। तो दोस्तों, एवरी मंथ आपको 20 से लेके 25-28 के अंदर में आपको ये अपडेट आ जाता है, ये डेट आप नोटिस कर लीजिए। और हाँ, अगर आपका वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है तो आप एक काम कर लीजिए, 20-22 MB का है, किसी का भी घर में किसी का भी फोन होगा, उनसे हॉटस्पॉट फोन करके ले लीजिए वाईफाई और अपडेट कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपके फोन में जो भी बग्स रहते हैं, जो भी आपके फोन में डिटिकोटी का इश्यू, जैसे कि कोई कोई फोन में तो हैंग होते रहता है, चलाते हैं ऑटोमेटिकली फोन काम करना बंद कर देता है, दरअसल ये नोकिया के फोन में होता है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, आप वैसा स्टेप लीजिए, आपका सफल होगा सिक्योरिटी पेच।